ये आंखों से बचाने का दो नुस्खा आप कर रहा हूं ताकि अमल आसानी हो जाए, वरना आपने ऐसा अमल को बता दिया है बड़ा मुश्किल। एक तस्वीर ला इलाहा इल्लल्लाह की पढ़ो, क्योंकि हदीस आज जो मैंने खोली है उसका तर्जुमा यह है कि हुजूर फरमाते हैं कि ला इलाहा जो है ये अल्लाह ताला से इसमें कोई बीच में हायर नहीं है, इसकी ला इलाहा की हा जो है अर्शे इलाही से टच है, अल्लाह से मिली रहती है। तो जो उसको कहता है तो गया इसके जरिए से, इस राकिब के जरिए से अल्लाह ताला से उसको खुद बता हो जाता है। और जब दिन में अल्लाह होता है तो गैरुल्लाह टिक नहीं सकते, जब शेर जंगल में चलता है तो लोमड़िया रह नहीं सकते, अल्लाह शेर का खालिक है। जिस दिन में खुदा आता है तो ये लोमड़िया खुद ही नहीं आ सकती, सूरज जब निकलता है बताओ भाई सितारे नजर आते हैं। लिहाजा एक तस्वीर आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह की आदत डाल दो, ला इलाहा जब कहें तो समझ लें मेरी हाँ अल्लाह के हर से तक हुई हर शिलाई से, और जब इल्लल्लाह के लिए अल्लाह की रोशनी ईमान तजल्लिया और ईमान और अल्लाह के कुर्ब का नूर सुकून की तरह से हमारे दिल में नूर का दरिया चला आ रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह और आपका सदे के बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ लो एक तस्वीर। ये हदीस का मजमून है, जो एक तस्वीर पढ़ लेगा कयामत के दिन उसका चेहरा रोशन होगा मिसल आफताब, और खात्मा भी ईमान पर होगा। जब रोजाना ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा तो मरते वक्त अल्लाह ताला को रहम आएगा कि तंदुरुस्ती में सेहत में हमारा बंदा हमारा कलमा पढ़ता था, आज बेहोशी में इसके जबान से कलमा निकला है। तो दो एक आज की हदीस का एक हदीस का यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ये अल्लाह ताला की अर्श से मिली हुई है। लैसा हिजाबुन दून अल्लाह, अल्लाह के दरमियान में और ला इलाहा इल्लल्लाह के दरमियान में कोई हिजाब पर्दा नहीं। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया सुबह दो अल्लाह उसको मिल गया, समझा, क्योंकि ला इलाहा से गैरुल्लाह से कट गया और आसमान तक चली गई, सातों आसमान पार कर गई। यकीन लाओ हदीस पर, अल्लाह के रसूल जो फरमा रहे हैं उस पर ईमान लाओ कि हम ला इलाहा की बरकत से सातों आसमान से ऊपर पहुंच गए इकबाल रूहानियत के, और इल्लल्लाह से चल लेकर और हम इल्लल्लाह पा गए। क्योंकि हदीस हुजूर फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह ने और अल्लाह ने कोई पर्दा नहीं है, तो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा अल्लाह उसको मिल गया। और दूसरा आगे है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ये चुप बंदा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह तो सातों आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। यहाँ पर कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह युह दिया अर्श अपने पढ़ने वाले को अर्श तक पहुंचा देती है रूहानियत के बाद से, क्योंकि भाई अल्फाज नबूवत हदीस है मिशकात है। और ये तिर्मिज़ी की रवायत दोनों, तो मेरे दोस्तों ये है कि एक इलाज भी ये है कि कम से कम आज से आप लोग एक तस्वीर ला इलाहा इल्लल्लाह की पढ़ो, इसी नियत से कि ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए से हम सातों आसमान से पार करके अल्लाह से रब्ता हमको नसीब हो जाए और ताल्लुक में अल्लाह की दौलत हमारे दिल पता हो जाए। दूसरा नुस्खा जो है वो सोते वक्त का है, जब सोने लगे तो एक मिनट तीन मिनट का नुस्खा है कि ध्यान कर ले कि एक दिन हमको दुनिया से जाना है, और समझ लो कि हम दुनिया से चले गए, रूह निकल गई और हमारे घर वाले हमको नहला रहे हैं, फिर कफना दिए गए और सभी हजम या आपोश में या जहाँ यहाँ भी है शायद भाई यहाँ कौन सा है हमारा विशेष अखबार के करीब कौन है भाई जहाँ कहाँ गए तानिया रियाज में नजीदाबाद में तो है भाई नजीदाबाद करीब है गुलशन अखबार के। मैं जब आ रहा था नाजिराबाद से तो मैंने पूछा था भाई वहाँ कब्रस्तान भी है या नहीं, यानी जन्नत का स्टेशन है या नहीं, मोमिन के लिए जन्नत का स्टेशन है कब्रस्तान, स्लीपर की सीट बुक होती है भाई उसके लिए, लेट करके जाता है मेहमान अल्लाह का और इंसानों के कंधों पर जाता है। ये कब्रस्तान से घबराना नहीं चाहिए, वो जन्नत का स्टेशन है और स्लीपर की सीट मिलती है, लेट करके जाओ आराम से सुभान अल्लाह क्या चाहिए मेहमान भी है। तो ये तसव्वुर कर लो हकीम उनको समझाते हैं कि 40 दिन भी नहीं गुजरेंगे इंशाल्लाह उसकी सुस्ती नमाज ना पढ़ने की गफलत जितनी भी बीमारियां हैं सब की इस्लाह हो जाएगी। ये हकीम उम्मत ने फरमाया आजमा लो इस नुस्खे को, कुरान और हदीस का नुस्खा है, एक मिनट का है, दो मिनट तीन मिनट समझ लो कि हमको कफना दिया गया, नहला दिए गए, कफना दिए गए और निकाल दिए गए, तख्ते लगा दिए गए, लोग अपनी मिट्टी डाल के चले गए। अब अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, अब अल्लाह अफ़्वाला कयामत कायम होगी, अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि तुम औरतों को बुरी नजर से क्यों देखते थे, नमाज पढ़ने में सुस्ती क्यों करते थे, कुछ नमाजें पढ़ते थे मस्जिद में कुछ घर में क्यों पढ़ते थे, क्या कामों में ताकत नहीं थी, दस्तर गाने के लिए कहां से ताकत आती थी, और ऐसी ज़कात क्यों नहीं निकालते थे, और ऐसे ही रुपया जमा किया हुआ था हज करने में ताखिर कर रहे थे, क्यों किया ताखिर हज करने में, सवाल आता है। उसके बाद आखिर में अल्लाह से माफी मांग के अल्लाह से कहते हैं अल्लाह तू मेरी इस्लाह कर दे और तुम मुझसे राजी हो जा, अल्लाह हमारे रुस्बी अल्लाह हिदायत के इरादे दिल में डाल दे, वाह इज़नी मिशर नफ्सी नफ्स के शर से बचा ले। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।